उत्तर प्रदेश के मऊ में एक आदमी ने रिक्शा चलाने वाले के साथ हुए विवाद के बाद सरेआम रिवॉल्वर निकालकर हंगामा किया। बताया गया कि रिक्शा चलाने वाला भाड़े के तौर पर 20 रुपए की मांग कर रहा था, जबकि वो आदमी 15 रुपए देने पर अड़ा रहा और इस पर विवाद इतना बढ़ गया कि उस आदमी ने रिवॉल्वर निकाल कर रिक्शा चलाने वाले पर तान दी और उसे पीटने लगा। ये देख वहां लोगों की भीड़ जुट गई। इस बीच वो आदमी रिक्शा चलाने वाले को धक्का देते हुए उसे गाली देने लगा। बताया गया कि लोगों के काफी समझाने पर वो आदमी शांत हुआ। दो जवानों को शहीद करने वाले उग्रवादी संगठन एनएससीएन ने एक उग्रवादी को असम राइफल्स ने गिरफ्तार किया है। योंगहांग उर्फ मोपा नाम के इस उग्रवादी को असम राइफल्स ने नागालैंड के अबोई मोन रोड से पकड़ा है। मोपा इसी साल मई में असम राइफल्स की टुकड़ी पर हमला करने के मामले का जिम्मेदार है। उस हमले में दो जवान शहीद हो गए थे। खुफिया जानकारी के आधार पर 21 जून को सेना और असम राइफल ने ऑपरेशन शुरू किया। खबर मिली थी कि मोपा अबोई मोन रोड पर है, जहां उसे दबोच लिया गया। चेन्नई की एक सड़क पर हंगामा कर रहे चार लोगों ने एक पुलिस वाले के साथ मारपीट की। आरोप है कि घटना के समय चारों लड़के शराब के नशे में हंगामा कर रहे थे, जिनको वहां पहुंचे एक पुलिस वाले ने रोकने की कोशिश की। आरोप है कि इसके बाद नशे में धुत लड़के भड़क गए और पुलिस वाले से बहस करने लगे। इस दौरान आरोपी लड़कों ने पुलिस वालों से मारपीट भी की। इस बीच वहां से कई गाड़ियां गुजरी, लेकिन किसी ने भी पुलिस वालों की मदद नहीं की। थोड़ी देर बाद कुछ और पुलिस वाले वहां पहुंचे, जिनको देखते ही आरोपी वहां से भाग निकले। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों से मुठभेड़ हो रही है। बारामूला के बोनियार इलाके में मुठभेड़ हो रही है, जहां सुरक्षा बल ने आतंकियों को घेर लिया है और दोनों ओर से गोलीबारी जारी है। रिफत हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद है। रिफत, क्या हालात है अभी वहां के? देखिए, ये उरी का एरिया है, बोनियार का ये जो गांव है, वहां पे इस वक्त एनकाउंटर चल रहा है सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान। अब देखना ये होगा कि क्या उस पार से कोई इन्फिल्ट्रेशन हुई है, जिनको मिलिटेंटों को घेरा गया है, या खाली लोकल मिलिटेंट्स हैं, क्योंकि हाल ही में ये कहा गया था कि पिछले 5 महीने से कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुई है, क्योंकि ये लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब का एरिया है और वहाँ अक्सर जो है उस पार से मिलिटेंट आते हैं, जहाँ इन एरियाज में एनकाउंटर होता है, चाहे उड़ी हो, कुपवारा हो, केरन करना हो। तो आज अब फिलहाल एनकाउंटर जारी है। हालांकि अभी अनकन्फर्म्ड न्यूज़ है कि एक मिलिटेंट मारा गया है, लेकिन उसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल एनकाउंटर जो है जारी है, इसमें टाइम लगता है, क्योंकि जंगली एरिया रहता है ये बोनियार का उड़ी का एरिया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रिफत आपका। बिहार के हाजीपुर में एक आदमी की हत्या के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर बवाल किया। बताया गया कि आपसी विवाद में बदमाशों ने एक आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने वहां खड़ी एक बुलेट बाइक में आग लगा दी। इस आग में बुलेट बाइक पूरी तरह जलकर राख हो गई। इसके साथ ही लोगों ने बीच सड़क पर आग लगाकर रास्ते को जाम कर दिया, जिससे पूरे शहर में घंटों जाम लगा रहा। इस हत्या के बाद परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। बताया गया कि गुस्साए लोगों को मनाने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।